हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एमपीटेट सीटेट टीचिंग एग्ज़ाम्स की सीरीज़ को। ईवीएस में हम कुछ पोर्शंस देख चुके हैं, ये हमारे लास्ट के कुछ पोर्शंस चल रहे हैं, क्योंकि क्लास फर्स्ट लेके फिफ्थ तक की एनसीईआरटी की बुक्स पर बेस्ड हैं। और इन पॉइंट्स में से क्वेश्चंस अभी तक तो लगातार बनते आ रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। हाउसेस ऑफ श्रीनगर हमारी स्टार्टिंग है। सो यहाँ पे हाउस बोट्स यूज़ की जाती हैं, और हाउस बोट्स लगभग 80 फीट की होती हैं लंबी, और 8 to 9 फीट वाइड होती हैं। तो ये है हाउस बोट्स के बारे में कुछ। देन है डोंगा। डोंगा भी एक प्रकार की बोट है, जो कि दाल लेक और झेलम रिवर्स में देखने को मिलती है। अंदर से जो डोंगा है वो बिल्कुल हाउस की तरह दिखती है, वैसे ही इनमें रूम्स होते हैं, मतलब इंटीरियर पूरा हाउस वाला है, और बाहर से बोट की तरह है। वुड पे बहुत अच्छी नक्काशी भी की हुई रहती है, और हाउस बोट्स की जो सीलिंग्स होती हैं वो किसी बड़े हाउस की तरह जो सीलिंग होती है वैसी होती है, और जो नक्काशी की जाती है उसको खातम बर्न बोलते हैं, जो कि एक जिक्सा पज़ल की तरह दिखाई देता है। मतलब जो पैटर्न होता है, डिज़ाइन होता है, जिसको ख़त्म बर्न बोलते हैं, वो जिक्सा पज़ल की तरह होता है। कश्मीर के विलेजेस में जो घर बनाए जाते हैं वो स्टोन से बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक स्टोन रखते हैं और फिर उसे उनकी कटिंग करके ही घर बनाए जाते हैं कश्मीर में। उन्हें कोट किया जाता है मर्ट से, और वुड भी यूज़ की जाती है घर बनाने में, और उनकी जो रूफ्स हैं वो स्लोपिंग होती है। कुछ जो पुराने हाउसेस हैं वो उनमें कुछ स्पेशल टाइप्स की विंडो होती हैं, और ये जो स्पेशल टाइप की विंडो होती है इसे डैप कहा जाता है, और ये बहुत अच्छा वुडन पैटर्न है हाउसेस बनाने का। यहाँ पे जो ओल्ड हाउसेस हैं वो स्टोन से बनाए जाते हैं, ब्रिक से बनाए जाते हैं, और वुड से। तो थ्री मेन है जिससे हाउस बनाया जाता है, तो स्टोन, ब्रिक एंड वुड। अब यहाँ के जो डोर्स और विंडोज़ हैं उनमें बहुत अच्छे आर्चेस दिए जाते हैं, और आर्चेस को मेहराब भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द अर्थ शुक, अर्थक्वेक की बात है। 26 जनवरी 2001 की बात है, जब गुजरात के कच्चे एरिया में अर्थक्वेक आया था। और जब अर्थक्वेक आता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए, इसके बारे में हम बच्चों से भी डिस्कस कर सकते हैं, कि पहले वो अपने व्यूज़ बताएं कि उन्हें क्या क्या पता है, फिर हम जो एक्चुअलिटी है वो उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो, हमें क्या करना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो हमें अपने घरों को छोड़ के ओपन ग्राउंड में चले जाना चाहिए। अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग थिंग, जैसे टेबल है या और भी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग थिंग्स के नीचे बैठना चाहिए, या उसके नीचे अंडर हो जाना चाहिए, और टाइटली होल्ड करके रखना चाहिए, ताकि हम स्लीप ना हो सकें। और जब तक शेकिंग ख़त्म नहीं हो, कंपन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो, तब तक हमें वहीं एज इट इज़ रुकना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, तो इस पर हम बात करते हैं। ये जो स्टोरी है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है, और ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि जो हम जब हवा मुंह से छोड़ते हैं तो वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमारे बाहर का, मतलब हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। अगर हमारे आसपास का वातावरण का जो टेम्परेचर है उसी के हिसाब से हमारे माउथ से जो एयर है वो निकलेगी, तो वो हॉट भी हो सकती है और कोल्ड भी हो सकती है। अब हार्ट बीट्स को सुनने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप, और ये वही बात है कि स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है हार्ट बीट्स को सुनने के लिए। जो कोल्ड एयर है वो नीचे आती है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ आती है, और ये होता है क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है, और जो गर्म हवा है, वार्म एयर है, वो
हल्की होती है, इसलिए ये अपनी इंटरचेंज करती रहती हैं। और ब्रीथ जो है, हमारी जो ब्रीथ है, जो हम सांस लेते हैं, वो आउटसाइड के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और वो कोल्ड और हॉट कैसी भी हो सकती है। नाउ हु विल डू दिस वर्क, नेक्स्ट टॉपिक है हु विल डू दिस वर्क। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से हमें सैनिटाइज करना चाहिए, किस प्रकार से हमें क्लीनिंग रखना चाहिए। तो उन्हें क्लीनिंग से रिलेटेड सारे जो हमारे पॉइंट्स है वो क्लियर करना चाहिए हमें बच्चों के साथ। तो ये क्लीनिंग डिपार्टमेंट, और ये बताने के लिए हम या तो खुद भी बता सकते हैं, और अगर हम इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं कि बच्चा और अच्छे से सीखे, तो स्कूल के जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो हेड है, वो अगर उन्हें ये बात समझाएंगे या वो उन्हें ये सब चीज़ें बताएंगे तो थोड़ा इफ़ेक्टिव लगता है। तो इस प्रकार से बच्चे और अच्छे से सीखते भी हैं। सो दैट, अब ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अलग अलग वेज सीख सकें, मशीन सीख सकें कि उन मशीन्स का वो कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे क्लीनिंग का ही नहीं, हम दूसरी चीज़ें भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई चीज़ बता रहे हैं तो किसी फार्मर को बुला सकते हैं, फिर वो स्कूल से रिलेटेड किसी बच्चे के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और कोई आप अदर वे भी ले सकते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को भी आप बुला सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों के लिए इंटरेक्टिव बनाने के लिए बाहर से किसी को बुलाना और उस डिपार्टमेंट से बच्चों से उनको इंटरेक्ट कराना, ताकि वो उनकी हर एक चीज़, उनकी मशीनरीज, वो किस तरीके से काम करते हैं, और वो उनके जो काम है उसका रेस्पेक्ट कर सके, हर किसी की रेस्पेक्ट कर सके, ये चीज़ें वो इन चीज़ों से सीख सकते हैं। गांधी जी के फ्रेंड हैं महादेव भाई और उनके सन। तो गांधी जी के फ्रेंड थे महादेव भाई, उनके जो बेटे हैं नारायण, वो कुछ टाइम तक गांधी जी के साथ रहते थे, जब तक वो यंग नहीं हो गए थे, तो वो उनके साथ रहते थे। ये एक पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ बात आती है पेडागोजी की, बात है यहाँ पे कि टीचर अलग अलग प्रकार के न्यूज़ आइटम्स या कुछ इश्यूज जो हमारे आसपास चल रहे हैं, जैसे वह एक इशू है अनटचेबिलिटी का, तो इस प्रकार के अलग अलग इश्यूज बच्चों के सामने रख सकते हैं, ताकि और फिर बच्चों के ओपिनियन जाने उस बारे में, कुछ जो सही चीज़ है उसके बारे में उन्हें वो सिखाएं। तो इससे बच्चों में सेंसिटिविटी क्रिएट होती है उन चीज़ों के लिए। वहीं हम देखते हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि कहाँ से थे, गोरेगांव महाराष्ट्र से हैं। तो ये बात थी कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से हैं, तो वो हैं गोरेगांव महाराष्ट्र से। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा जो है, वो बनाया है किन्होंने, बाबा साहेब अंबेडकर ने ही बनाया है, और इसीलिए उन्हें एक, वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसके बाद उन्होंने उनका सार निकाल के हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इंटरव्यू अडाप्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडियन अनटच्ड बाय स्टालिन के। स्टालिन के जो हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी इंडिया अनटच्ड पे। तो ये एक बात थी अक्रॉस द वॉल। सो ये नेक्स्ट टॉपिक है अक्रॉस द वॉल। नाग पांडा और अफसाना मंसूरी, जो कि हैं बास्केटबॉल टीम्स के, तो ये बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स हैं, या हम कहते हैं कि ये प्लेयर्स हैं। तो उनका नाम क्या है, नाग पांडा एंड अफसाना मंसूरी, जो कि मुंबई के हैं। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जो कि कहाँ है, मुंबई में, और ये एक्चुअली में है रेलवे स्टेशन। तो एक रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है उसका नाम है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। अब चिल्ड्रन की अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग इशू में अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए, उन जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए,
उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपनी जो अंदर जो उस पॉइंट को लेके जो भी क्वेरी है वो आपसे पूछ सकें, उनके व्यूज रख सकें, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उन इश्यूज के बारे में बढ़ सके। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में सिमिलर गेम्स कौन से होते हैं, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से वो इनइक्वालिटी जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में होती है, स्टीरियोटाइपिंग होती है, तो इसके बारे में वो सीख सकें, समझ सकें हैं। सॉरी, नेक्स्ट है शोलापुर, जो कि मुंबई में है। तो एक जगह का नाम है जो कि मुंबई में है, तो आपको ये भी याद रखने जैसी है। नेक्स्ट पेडागॉजिकल इशू है कि ट्राई टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन दैट प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज बाय देयर एबिलिटी टू प्ले रेदर देन बाय देयर कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस के लिए बच्चों के मन में जो रहता है कि कास्ट वाइज वो कभी कभी कुछ उनमें पुराने ज़माने की जो शुरुआत से चली आ रही है कि ये कास्ट के हैं तो वो यही काम करेंगे, तो इन चीज़ों को हटाने के लिए हम उन्हें अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो अपनी एबिलिटी की वजह से जाना जाते हैं, ना कि उनकी कास्ट की वजह से या उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी वजह से। तो इस प्रकार से बच्चों में कास्ट रिलेटेड, और अगर कोई ऐसा है कि जो छोटे तबके का है, गरीब है और उसके पास एबिलिटी है, तो फिर वो करेगा अपनी मतलब वो करते नहीं हैं, कोशिश नहीं करते हैं या सामने नहीं आना चाहते हैं। अगर हम उनकी ये जो क्वेरीज हैं इन्हें हल करेंगे तो वो भी पूरी तरीके से सामने आएंगे, अपनी जो एबिलिटी है वो सबको दर्शाएंगे। नेक्स्ट है बच्चू खान के बारे में कि सॉरी इट्स बच्चू खान प्लेग्राउंड के बारे में बात है, जो कि मुंबई में है, जो कि जो ये जो नाम है प्लेग्राउंड का, ये रखा है कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर। तो कोच मुस्तफ़ा खान जो हैं उनके नाम पर, उनकी याद में कह सकते हैं, तो इस प्लेग्राउंड का नाम रखा गया है जो कि मुंबई में है। अब चैप्टर है एक जो कि क्लाइंबिंग द जेंडर वॉल मेड बाय सोसाइटी। तो जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे क्लाइंबिंग द वॉल, तो ये जो चैप्टर है वो एक्चुअली में वॉल मीन्स यहाँ पे जेंडर को वॉल माना गया है कि जेंडर की वजह से लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो इस जेंडर वॉल को क्लाइंब आउट करना ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो यही था इस पूरे चैप्टर में, एक चैप्टर पूरा दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, अ सीड्स टेल्स ऑफ फार्मर स्टोरी। अब यहाँ पे एक सीड की कहानी है जो कि फार्मर की स्टोरी बताता है, तो एक सीड ही है जो पूरी चीज़ें बताता है, इस प्रकार से एक कहानी है। वंगम जो है वो गुजरात में है। ओल्ड टाइम्स में अच्छे सीड्स होते थे जो कि स्टोर्स करके रखे जाते थे ड्राइड गॉर्ड में, या हम जिसे लौकी कहते हैं, तो लौकी में अच्छे जो सीड्स होते हैं उनको कलेक्ट के रखा जाता था और फिर उसे पूरी तरीके से मड से कोट कर देते थे। और जो नीम लीव्स होती हैं वो भी प्रोटेक्ट करती हैं सीड्स को इंसेक्ट से। वहीं हम देखते हैं उंधिया, तो उंधिया एक टाइप की डिश है या सब्जी बोल सकते हैं, जिसको प्रिपेयर करते हैं स्पेशल तरीके से। हम पॉट को सीधा रखते हैं लेकिन इसमें पॉट को उल्टा रखते हैं और कोल्स के ऊपर, इसे हॉट कोल्स के ऊपर से रखा जाता है और इस तरीके से ये सब्जी बनाई जाती है। और यहाँ पे उंधिया जो वर्ड है सब्जी के लिए यूज़ किया गया है, उसका मतलब ही होता है अपसाइड डाउन, मीन्स उल्टा। तो इस प्रकार से उंधिया डिश के बारे में है, और ये गुजरात का है मेनली। और उंधिया को बाजरा रोटी से खाया जाता है और उसमें होममेड बटर, कर्ड और बटर मिल्क, इन चीज़ों के साथ इसे उंधिया को सर्व किया जाता है। एक ही जगह पे बार बार क्रॉप्स लगाने से और बार बार केमिकल्स यूज़ करने से वो जो जगह है, वो जो लैंड है, वो अनफर्टाइल हो जाती हैं। क्रोटन्स प्लांट्स जो हैं
वो ऐसे हैं जो हमें सिग्नल दे सकते हैं, नेचुरली सिग्नल है कि जो सॉइल है वो ड्राई हो रही है, ख़राब हो रही है। तो ऐसा कैसे हैं? क्योंकि जो क्रोटन्स की जो रूट्स हैं ज़्यादा डीप में ग्राउंड में नहीं जा पाती, वो टॉप लेयर में ही रहती हैं। और जैसे ही टॉप लेयर ख़राब होगी या टॉप लेयर में फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो ये जो प्लांट है क्रोटन्स, ये भी ख़राब होने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा क्रोटन के ज़रिए कि जो हमारी लैंड है वो फर्टाइल है या इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही है। तो जो क्रोटन्स है वो नेचुरल इंडिकेटर है सॉइल के ड्राइनेस के। बात है अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म सॉफ्ट करते हैं सॉइल को किस प्रकार से? तो डिग करके, वो एक्चुअली में अपने घर बनाते हैं या वो मूवमेंट करते हैं, तो वो मूवमेंट करते तो डिग करते जाते हैं सॉइल को और टनल्स बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो इस प्रकार से क्या होता है, सॉइल भी डग आउट होती है और इस तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है और सॉइल सॉफ्टन होती है। नेक्स्ट है वूस फॉरेस्ट। इसके अंदर हम देखते हैं कुडुक जो है कम्युनिटी है जो कि झारखंड की है, यहाँ पे आदिवासी पीपल्स रहते हैं। और आदिवासी पीपल्स जो झारखंड में रहते हैं उन्हें हम कुडुक कहते हैं। और जो फॉरेस्ट है वो स्टार्ट हो रहे हैं डिसअपियरिंग होना, क्योंकि उनकी जगह पर माइंस खोदे जा रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, तो इस वजह से जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं या कह सकते हैं कि डिसअपियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है तोरांग। तो तोरांग का मीन्स है क्या, मतलब है जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज, मतलब कुडुक की जो लैंग्वेज होती है तो वो जंगल को वो डिनोट करने के लिए वर्ड बोलते हैं तोरांग। अब 2007 में राइट टू फॉरेस्ट एक्ट बना था, जिसके तहत अलग अलग नियम आए थे कि फॉरेस्ट किसका है, कहाँ पर, किसको, किस तरह से फॉरेस्ट के साथ किस प्रकार से पेश आना है। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो फॉरेस्ट एक्ट में आए थे। अब बात है कि ऐसा लैंड जहाँ पे हम एक टीन सीड्स ग्रो करते हैं उसी को, उतने लैंड को हम बोलते हैं वन टीन ऑफ लैंड। ये तो सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट है जूम फार्मिंग। तो जूम फार्मिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी बन चुके हैं। तो जूम फार्मिंग एक्चुअली में होता क्या है, तो एक क्रॉप जब कट हो जाती है उसके बाद कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त तक जो ज़मीन है उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नया नहीं उगाया जाता है। फिर जो बैम्बूज़ हैं, वीड्स हैं जो कि उस ज़मीन में अपने आप जो उगाते हैं, उन्हें बस निकाल दिया जाता है और वहीं छोड़ दिया जाता है, बस उन्हें काटते जाते हैं और वहाँ पे उसे जलाते जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो राख उनसे बनती है उससे जो हमारी लैंड है वो और ज़्यादा फर्टाइल होती है। फिर जब लैंड रेडी हो जाती है तो इसे हल्का सा बस डगअप कर दिया जाता है, प्लग नहीं किया जाता, सिर्फ हल्का हल्का ऊपर से थोड़ा सा डग करता है करते हैं। फिर जो अगर उस एरिया में अगर कुछ वीड्स लग गए हैं, अनवांटेड प्लांट्स लग गए हैं, तो उन्हें सिर्फ मतलब उन्हें खींच के बाहर नहीं निकालते, बस उन्हें कट कर दिया जाता है और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो सॉइल में मिक्स्ड हो जाते हैं और इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है। अब ये चीज़ें जूम फार्मिंग कहाँ होती है, तो जूम फार्मिंग हम देखते हैं कि मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा होती है, वहीं यहाँ की मेन क्रॉप जो है वो राइस है। और पीपल जो हैं यहाँ के सेलिब्रेट करते हैं जब जो क्रॉप है पक जाती है और उसे काटा जाता है, तब पीपल्स यहाँ के जो है वो इसे एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और वे डांस करते हैं चिराव डांस बैम्बूस को लेके। इसमें कुछ दो व्यक्ति होते हैं जो कि बैम्बूस को हिलाने का काम करते हैं और कुछ जो हैं वो उस बैम्बूस पे जंप करके डांस करते हैं, तो इसे चिराव डांस कहते हैं।
नेक्स्ट है लाइक फादर लाइक डॉटर। सो कुछ जो ट्रेड्स हैं हम एक्वायर करते हैं बर्थ से, और ये और कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ नेचुरली थिंग्स जो होती हैं जो कि हम बचपन से ही हमारे अंदर होती हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स से कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। और जो बात आती है पोलियो की, तो ये वायरस से होती है और ये इनहेरिटेड नहीं है, तो ये एक बात थी। अब हम जैसे पोलियो के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसी डॉक्टर को या क्लास में या स्कूल में कोई बच्चा है जिसके पेरेंट डॉक्टर है तो उन्हें बुला सकते हैं और वो बच्चों को इस बारे में बोले बताएं कि कैसा होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये डिजीज़ ना हो, और अगर हो गया है तो फिर अब क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई डॉक्टर आके बताएंगे तो बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट बात है ग्रेगर मेंडल की, जो कि एक पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर जो हैं वो फार्मर थे, ऑस्ट्रिया में रहते थे। 1822 में उनका जन्म हुआ था। 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, कम से कम 28,000 प्लांट्स पे, और ये जो प्लांट्स थे वो मोंटेसरी का जो गार्डन होता है वहाँ के प्लांट्स थे। उन्होंने बेसिकली पी प्लांट पर किए, और उन्होंने बताया कि पी प्लांट्स में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं। जैसे अगर हम सीड की बात करें तो सीड या तो रफ होगा या स्मूथ होगा, इसमें कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पेयर देखने को मिलते हैं ट्रेड के, ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया। नेक्स्ट है ऑन द मूव अगेन। सो बात है दशहरे की, तो दशहरा पहले आता है रेनी सीजन्स के पहले दशहरा आता है, ये एक उन्होंने बात कही है, थोड़ा सा घुमा के उस चीज़ को कहा है। और अगर किसी को शुगर केन की फार्मिंग करनी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पूरनपुली की बात है कि पूरनपुली एक डिश होती है, स्वीट रोटीज़ होती है, जो कि जैगरी और ग्राम से बनाई जाती है। हर किसी को इसके बारे में पता है, बट चूँकि NCERT ने बताया है तो हमें इसे लेना ही पड़ेगा। और इसे खाया जाता है स्पाइसी कड़ी से, साथ में स्पाइसी करी डिश होती है और फिर उसे पूरनपुली को खाया जाता है। अब बात है कारवान की, तो कारवान एक बस है या कार्ट भी कह सकते हैं, जिसमें सब टाइप्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसमें आराम से एक व्यक्ति रह सकता है। तो ये जो कारवान से वो अधिकतर उन लोगों के लिए काम में आती है जिनको रेगुलरली मूव में रहना पड़ता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना ही पड़ता है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो कारवान में रहते हैं ताकि सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन्हें बस में ही मिल जाए और उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं मिल पड़े। नेक्स्ट है रैट्स। रैट्स की बात है तो रैट्स की जो आई साइट है वो बहुत पुअर होती है, लेकिन उनका सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट, मीन्स उनके पास एक ही है जो कमी है वो है आई साइट की, बाकी तो उनकी सारी चीज़ें बड़ी शार्प होती हैं। अब हम नागपुर की बात करें, तो नागपुर के जो लोग हैं जब भी दाल बनाते हैं तो उसमें कुछ शुगर्स डालते हैं। फिर डांस की बात है कि डांस में जो जब भी कोई व्यक्ति डांस करता है तो अपने हैंड्स का यूज़ करता है, फेस का यूज़ करता है अपनी फीलिंग्स कन्वे करने के लिए। और जो हम हैंड से अलग अलग पोस्चर्स बनाते हैं, हैंड का यूज़ करते हैं, तो उसे मुद्रास कहते हैं। वहीं फेस का यूज़ करके जो हम एक्सप्रेशंस देते हैं उसे भावस कहते हैं। अब बात आई आउल की, तो आउल अपनी नेक को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड, बहुत पीछे तक मूव कर सकता है। वहीं जो बर्ड्स के फेदर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए और उन्हें गर्म रखने का भी काम करते हैं। और समय समय पे जो बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स जो ख़राब हो चुके हैं वो झड़ भी जाते हैं और उसकी जगह पे
नए फैदर्स भी आ जाते हैं। अब है ब्रेल लिपि के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी कि ब्रेल जो है वो थिक पेपर पे लिखी जाती है बेसिकली, और इसे लिखते हैं रेज्ड पॉइंटेड डॉट्स बनाए जाते हैं और उनकी रो रहती है जिसकी मदद से इसे लिखा जाता है। और जो ये पॉइंटेड डॉट्स हैं ये बनाए जाते हैं स्पेशल टाइप के पॉइंटेड टूल से, और इसे पढ़ा जाता है अपनी फिंगर्स को उन डॉट्स पे रन करके, मतलब फिंगर से उन्हें सेंस करते हैं डॉट्स को और उन्हें फिर पढ़ा जाता है। अब बात आती है कि ये ब्रेल लिपि बनाई किसने, तो लुईस ब्रेल थे जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। जब वो 3 साल के थे तब अपने फादर्स के जो कुछ टूल्स थे उनके पापा के, उनसे वो खेल रहे थे और एक्सीडेंटली एक पॉइंटेड टूल ने उनकी आईज को हर्ट किया, जिसकी वजह से उनकी आई साइट, मतलब उन्होंने अपना आई साइट खो दिया। लेकिन उन्हें इंटरेस्ट था स्टडीज़ में और वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें सोचते रहते थे कि वो किस प्रकार से सीख सकते हैं, किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। फाइनली उन्हें एक तरीका मिला कि हम टच करके, फिल करके भी हम रीड कर सकते हैं, और इसी ये जो तरीका था जो उन्होंने अपने आप इजाद किया था, इसी को अब ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। और अब तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्रेल स्क्रिप्ट हर तरह मिलती है, ये मतलब हर जगह इसे इंक्लूड कर लिया गया है। बेसिकली ये जो है ये 6 पॉइंट पे काम करती है, तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि ये कितने पॉइंट्स पे करती है, तो ये एक्चुअली में 6 पॉइंट्स पे काम करती है। और आजकल तो ब्रेल जो है कंप्यूटर का यूज़ करके भी लिखी जाती है, और हम जैसे बच्चों को अगर ब्रेल के बारे में सिखा रहे हैं तो हम एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट भी ला के उन्हें बता सकते हैं, सब उसे फील करेंगे कि हाँ इस प्रकार से ब्रेल लिपि होती। तो ये भी एक टेक्निक है बच्चों को हर चीज़ से और ज़्यादा करीब लाने की। बिगनिंग में जो पॉट्स है वो स्टोन और क्ले से बनाए जाते थे, और जो प्यूपिल है स्टोन से पॉट्स बनाते थे, स्क्रैपिंग भी स्टोन से करते थे, डिगिंग भी स्टोन से करते थे, तो हर एक चीज़ जो है वो स्टोन्स का यूज़ करके करते हैं। वहीं कहवा या टी जो कि आलमंड और कैडमम का यूज़ करके बनाई जाती है श्रीनगर में, और जो दाल लेक है वो कहाँ है, वो भी श्रीनगर में है। अब जो टूरिस्ट है वो इन्जॉय करते हैं राइड शिकारा की दाल लेक में, दाल लेक में राइड ऑफ शिकारा पे अधिकतर अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो वो यहाँ ज़रूर जाता है। और श्रीनगर में आपको हाउस बोट्स मिलेंगी देखने को, और बर्ड्स हैं जो वो प्रिवेंट करते हैं फ्रूट्स को इंसेक्ट से, और जैसे कि अगर कहीं पे पेड़ है तो वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं तो बर्ड्स उन्हें खा लेते हैं, तो इस प्रकार से एक प्रकार से बर्ड्स जो हैं वो बचा रहे हैं फ्रूट्स को इंसेक्ट्स के द्वारा ख़राब होने से। अब है बज्जू विलेज जो कि राजस्थान में है, और अब अगर आपको बच्चों को मैप्स के बारे में बताना है तो सबसे पहले आपको उनके सिंबल्स, उनसे रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं उनके बारे में बताना होगा, ताकि बच्चे उन मैप्स को बाद में जब आप उसको मैप्स बताएं तो वो आसानी से मैप्स को रीड कर सके, समझ सकें। फिर उनके साथ हम रीयूज़ ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ये अगर हम उनसे डिस्कस करेंगे रीयूज़ ऑफ वाटर से तो इससे उन्हें समझ में आ सकता है कि किस प्रकार वाटर को बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सब चीज़ें वो समझ पाएंगे। और अगर हम सजेशंस बच्चों से लें और उन्हें अपने तरफ से सजेशंस दें, वो उन चीज़ों को समझें, इनको अडॉप्ट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। सो आज हमने ईवीएस का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है वो आपकी बनेगी ईवीएस की पेडागॉजी, सॉरी ईवीएस की पेडागॉजी से रिलेटेड, और आप अगर कोई और प्लेलिस्ट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।